लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। दुनिया के कई देशों में कहर बरपा चुके मंकी पॉक्स को लेकर अब भारत में भी खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। दरअसल मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला भारत में भी मिला है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि एम पॉक्स ट्रांसमिशन से पीड़ित देश से एक हाल ही में यात्रा करने वाले व्यक्ति की पहचान इस बीमारी के संदिग्ध मामले के रूप में की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरीज को एक डेजिग्नेटेड अस्पताल में रखा गया है जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने मरीज का सैंपल ले लिया है ताकि इसकी पुष्टि की जा सके कि उसे एमपॉक्स हुआ है या फिर नहीं। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मामले को निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है और संपर्क ट्रेसिंग भी की जा रही है ताकि संभावित सोर्सेस का पता लग जाए और इस मामले से आगे पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी किया जा सके। वहीं WHO ने हाल ही में मंकी पॉक्स के खतरे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक इमरजेंसी हेल्थ के रूप में चिन्हित किया है। संगठन ने 14 अगस्त को इसका खुलासा किया था। WHO ने इसका ऐलान तब किया है जब हाल ही में इस वायरस के नए वेरिएंट की पहचान की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस मामले को लेकर अतिरिक्त चिंता यानी कि सबसे ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इस मामले को नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC देख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, इससे निपटने के लिए देश ट्रैवल रिलेटेड ऐसे मामलों से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही ऐसे मामलों की पहचान के लिए ट्रेसिंग चैनल स्थापित किया जा रहा है। अगर आपके भी जानने में या आसपास कोई है जो ऐसे लक्षणों के साथ यानी कि उसके शरीर पर छाले, खुजली और बुखार के साथ उसे कमजोरी लग रही है तो डॉक्टर से मिलने का सजेशन दे, साथ ही साथ अपने जानने वालों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो हमें कहिए अलविदा और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।